मैथमेटिकल प्रूफ है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव का. मैथमेटिकल प्रूफ में सबसे पहले ट्रांसवर्स नेचर बोलते किसे हैं ईएम वेव में. हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे होती हैं. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो आपकी वेव प्रोपगेशन जेड में होगी. तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं. ये रूल है ईएम वेव्स का. इस प्रॉपर्टी ऑफ ईएम वेव को बोलते हैं कि ईएम वेव की कौन सी नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर है. तो ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो ईएम वेव इस तरफ नहीं जाएगी, इसके परपेंडिकुलर ही जाएगी. तो ये मुझे क्या करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है. मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि सपोज एक स्पेस में ईएम वेव जा रही है. मान लो यहाँ पर ईएम वेव जा रही है. आपने ईएम वेव जहाँ जा रही है एक क्लोज्ड पाथ ले लिया, कुछ भी इमेजिनरी क्यूब क्यूबॉइड ले लिया, कुछ भी ऐसा. तो ये सरफेस ले लिया आपने क्यूब, कोई भी इमेजिनरी ईएम वेव निकल रही होंगी, ईएम वेव यहाँ पर एनर्जी जा रही होगी. इसके अंदर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इसका ई डॉट डी एस क्या रहेगा, जीरो. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो रहेगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है. तो मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ ये भी समझें. मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे. मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे. ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो प्रूफ किया गया है बाई कॉन्ट्राडिक्शन किया हुआ है. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब उल्टा एज्यूम करके, गलत एज्यूम करके उसको प्रूफ करना कि गलत है, इसका उल्टा सही होगा. जैसे हम ये मानते हैं कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन आपस में 90 डिग्री पे होती है. चलो हम ये मान लेते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन सेम डायरेक्शन में है. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन अगर सेम डायरेक्शन में, और मैं इस चीज़ को अगर गलत प्रूफ कर दूँ कि बात सही नहीं है, तो इसका मतलब, और मैं प्रूफ कर दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेव प्रोपगेशन के साथ 90 डिग्री पे है, तो आपको मानना पड़ेगा कि ईएम वेव की ट्रांसवर्स नेचर है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएम वेव मानते हैं कि सेम डायरेक्शन में ही है. तो अगर ईएम वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर जा रहा है, तो मुझे पता है कि इस सरफेस का ई फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट डी एस यानी कि ई डी एस कॉस जीरो, और इसका क्या होगा, ई डी एस कॉस 180. और बाकी फेसेस के लिए तो आंसर वैसे भी जीरो होगा, क्योंकि बाकी फेसेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर ऐसे और ई वेक्टर ऐसे एज्यूम किया. हमने ये माना कि ई वेक्टर हमारा इस तरफ है, वेव प्रोपगेशन भी इस तरफ है, तो इन बाकी फेसेस का ऊपर नीचे का फ्लक्स जीरो. कुल मिला के छः फ्लक्स हैं, छः का फ्लक्स निकाला, चार का तो पक्की बात है जीरो होगा, नॉन जीरो सिर्फ ए बी सी डी का होगा और ई ओ जी एफ का होगा. ये देखो सिर्फ ए बी सी डी और ओ ई जी एफ का जीरो नहीं होगा, बाकी सबका जीरो होगा. अब मैंने ये मान लिया, इसे जब ओपन करेंगे ए बी सी डी के लिए, तो ई और डी एस में एंगल क्या बनेगा, जीरो, और इसमें क्या बनेगा, 180. तो हमने क्या किया, इसमें ई डी एस कॉस जीरो, ई डी एस कॉस 180. तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई एक्स मान लिया और दूसरे फेस में ई एक्स डैश मान लिया, जस्ट ये मानते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसमें सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है. कॉस 180 नेगेटिव है ये ना, और अगर नेगेटिव है तो एरिया एरिया कट जाएगा जीरो से, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी. इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस जीरो का मतलब है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर है, जो हो नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट चेंज विद टाइम. दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कैसे होगा, ये वो तो ये कह रहा है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, जबकि हमें मैक्सवेल ने क्या कहा था, ई की वैल्यू मस्ट चेंज विद टाइम तो ई एम वेव जनरेट होगी, तो ये तो हो नहीं सकता. तो यही होगा कि ई की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, जीरो. तो वेव प्रोपगेशन के साथ ई एग्जिस्ट नहीं करता. सिमिलरली आपने लिख देना एक लाइन में कि बी भी एग्जिस्ट नहीं करता. जैसे ई को प्रूव करते हैं ऐसे बी को भी प्रूव करते हैं. पर अगर ई वेक्टर और वेव प्रोपगेशन में एंगल थीटा हुआ तो एक कंपोनेंट एक्स के साथ जाएगा, एक वाई में जाएगा. एक्स एक्स के साथ जा नहीं सकता, वो तो हमने देख ही लिया, तो ऑब्वियसली किस में जाएगा, पूरे का पूरा वाई में जाएगा. इसका मतलब ई वेक्टर और वेव प्रोपगेशन आपस में कितने एंगल पर होंगी, 90 पे. ये प्रूफ सीबीएसई में आता नहीं है, पर मैंने फिर भी बता दिया कि एक आइडिया दे दिया कि कैसे इसको प्रूफ किया जा सकता है. पर अदरवाइज इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है. सीबीएसई के सिलेबस को एक बार चेक करना.